हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए नए इंटर ही करते हैं, तब सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता चलती है कि आप ट्विन फ्लेम हैं। आपको सारे साइन मैच होते हैं और आपको पता चलता है कि कोई आपका ट्विन है और वो और आप फ्यूचर में एक साथ यूनियन में आएंगे और आप दोनों इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए एक साथ सोल पर्पस करेंगे, है ना। स्टार्टिंग में जब आपको ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट का पूरा अच्छे से डीप नॉलेज नहीं होता है, तब आप इसी तरीके से चीज़ों को डिकोड करते हैं या यही समझते हैं। बट धीरे धीरे जब आप जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अब हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं या बहुतों की जर्नी देखते हैं, तब आपको एक बात तो अच्छे से समझ में आ जाती है कि ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि दो लोग यानी ट्विन फ्लेम्स आपस में एक साथ ही सोल पर्पस कोई करें। ऑब्वियसली उनके साथ आने से मदर अर्थ की वाइब्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ती है। उनका साथ होना ही एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है, एक ट्विन दूसरे ट्विन को इस तरीके से सपोर्ट करता है कि अपने आप ही वो दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा एक सोल पर्पस हो जाता है, इंडिविजुअल भी हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का सोल पर्पस एक साथ भी होता है। तो ऐसा अगर आपने सुना है या देखा है कि दोनों का पर्पस एक साथ नहीं होता है, तो ये भी गलत है। और अगर आपको ये लगता है कि 100% सोल पर्पस दोनों का एक साथ होता ही होता है, तो ये भी गलत है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की यूनियन के बाद दोनों एक साथ सोल पर्पस करेंगे कि अपना इंडिविजुअल अलग अलग सोल पर्पस करेंगे, ये सिर्फ डिसाइड होगा उनके अपने अपने कर्मा, उनकी सिचुएशंस और बाकी सारे इश्यूज के ऊपर कि उनके लाइफ में कैसे स्ट्रगल हैं, कैसी चीज़ें हैं, कर्मा क्या है और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। कभी कभी साथ में सोल पर्पस करना पॉसिबल नहीं होता है, तो दोनों इंडिविजुअल सोल पर्पस भी कर रहे होते हैं बट कनेक्टेड रहते हैं और दूर से ही एक दूसरे के सोल पर्पस में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ती है। बट आपने देखा होगा कि ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं जो एक साथ भी हीलिंग कर रहे होते हैं, एक साथ अपना कोई बड़ा सोल पर्पस कर रहे होते हैं, एक साथ ही किसी एरिया में अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। दोनों एक साथ ही कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस करने के लिए चुने गए होते हैं और कर भी रहे होते हैं। इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करें या फिर सबको बोले कि हाँ भाई हम तो ट्विन फ्लेम हैं और इसलिए हम ये सोल पर्पस कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो बोलें ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे कपल्स आपने देखे होंगे जिनका लाइफ पर्पस, जिनका सोल पर्पस एक साथ होता है और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर या लवर्स दोनों मिल करके एक साथ मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सोल पर्पस कर रहे होते हैं। तो अगर ट्विन फ्लेम्स आप हैं और आपकी हीलिंग के बाद, आपकी यूनियन के बाद आपके ट्विन फ्लेम के साथ प्री डिसाइडेड है, डेस्टिनी में है, या फिर आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही सोल पर्पस करना निश्चित है, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ जो कि है रेयर, पर अगर ऐसा है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं। और ये सवाल मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है और उन्होंने पूछा है। काफ़ी पहले भी एक बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था और रिसेंटली मुझे DF ने याद दिलाया, तो मैंने कहा ठीक है इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो क्या हमारे DM के साथ हमारा सोल पर्पस है कुछ फ्यूचर में, है तो क्या है, क्या हम एक साथ सोल पर्पस करेंगे पक्का। तो ये 5 संकेत मैं आपको बता रही हूँ, साइन बता रही हूँ। अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो समझ लेना कि आपका और उनका सोल पर्पस एक साथ पक्का है। ज़रूर आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल पर्पस करोगे, यूनिवर्स ने आप दोनों को एक साथ सोल पर्पस करने के लिए चुना है। और अगर नहीं मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दोनों कनेक्टेड रहोगे आफ्टर यूनियन, बट इंडिविजुअल सोल पर्पस भी हो सकता है। आपके ट्विन फ्लेम अपने एरिया में अपना सोल पर्पस करेंगे और आप अपने एरिया में अपना कुछ सोल पर्पस करोगे और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी सोल पर्पस होता है। चलिए तो मैं आपको फटाफट वो 5 साइन बताती हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि ये 5 साइन सबसे रेजोनेट करें, क्योंकि ये बहुत रेयर है कि दो ट्विन फ्लेम्स एक साथ ही कोई सोल पर्पस करें। 100 में से कोई 5-10 कपल 15 कपल ऐसे होते हैं जो कोई एक साथ मिलकर कोई एक ही सोल पर्पस करें। तो चलिए पहले साइन की बात करते हैं। पहला साइन, जब यूनिवर्स आपको और आपके ट्विन फ्लेम को एक साथ ही किसी एक सोल पर्पस के लिए तैयार कर रहा होता है,
तो वो लगभग लगभग सेम टाइप के लाइफ के स्ट्रगल्स देता है। आपके और आपके डीएम की लाइफ लगभग लगभग सिमिलर होती है और एक टाइप के स्ट्रगल एक ही एरिया में, मतलब लगभग लगभग आपका एरिया भी सिमिलर होता है और उस एरिया में लगभग लगभग सिमिलर टाइप की लर्निंग, सिमिलर टाइप के लेसन, सिमिलर टाइप के आपको स्ट्रगल्स दिए जाते हैं, सिचुएशंस दिए जाते हैं हैंडल करने के लिए। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से बात करेंगे या कभी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे उनके लाइफ की, तो आपको लगेगा कि जस्ट आप ही की तरह है, इसने सेम कोर्स लिया है आप ही की तरह, या फिर इसकी लाइफ में कुछ सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर हुई है, इसके लाइफ में भी रिलेशनशिप स्ट्रगल एकदम सिमिलर हुए हैं, इसको भी चीटिंग मिली, इसको भी धोखा मिला है, इसका भी हार्ट ब्रेक हुआ, इसको भी अकेला रखा गया, मेरे को भी अकेला रखा गया, और भी बहुत सारी सिमिलैरिटी। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारी सिमिलैरिटी, क्योंकि एक साथ एक सोल पर्पस पे काम करने के लिए आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी वजह से आप दोनों को एक जैसा ही तैयार किया जाता है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और एक दूसरे के काम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरा साइन, अगर प्री डेस्टाइंड है, पहले से निश्चित है, भगवान ने आपको उनको चूज़ कर लिया है, तो जैसे ही आप हीलिंग करने लगते हो, आपके पार्टनर हीलिंग करने लगते हैं, आप दोनों की अवेकनिंग लगभग एक साथ होती है, आप दोनों की अवेकनिंग में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है, और आप देखोगे कि आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके डीएम की भी जल्दी ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लग जाएगी। और अगर पहले से ही आपके और आपके ट्विन फ्लेम का एक साथ सोल पर्पस निश्चित है, तो सेम लगभग विज़न आपको भी आएंगे और सिमिलर लगभग विज़न आपके ट्विन को भी आएंगे। वो भी लगभग अपने आप को देखेंगे कि फ्यूचर में वो वही सोल पर्पस कर रहे हैं, ऐसा ही कोई काम कर रहे हैं, और ऐसा ही आपको भी दिखाया जाएगा कि आप भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हो फ्यूचर में। ऐसे भी विजन्स आ सकते हैं कि आप दोनों मिलकर के कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके एरिया से रिलेटेड आपको विजन्स भी दिखाए जा सकते हैं, ड्रीम्स दिखाए जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर प्री डेस्टाइंड होती है ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में, तो उससे रिलेटेड विजन्स ज़रूर आते हैं, साइंस ज़रूर मिलते हैं और बड़े ही क्लियर क्लियर मिलने लगते हैं। जैसे आपकी आपके ट्विन फ्लेम से शादी होना निश्चित है, तो आपको पहले से ही सारे विजन्स क्लियर मिलने लग जाएंगे। अगर आपका उनके साथ सोल पर्पस पहले से निश्चित है, तो आपको एक टाइम के बाद जब आपका सोल पर्पस रिवील का समय आएगा, तो आपके डीएम का भी सोल पर्पस आपके साथ ऐसे विजन्स आपको दिखाए जाएंगे, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। तीसरा साइन है सेम इंटरेस्ट, या आप ही के फील्ड से मिलता जुलता काम आपके ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप टीचर हो, तो वो भी टीचिंग वाला ही कोई काम करने लग जाएंगे या करते होंगे पहले से ही। आप अगर अनाथ की सेवा करते हो या किसी अनाथ आश्रम में जाते हो सर्विस देने, तो आपको वहीं कहीं मिल जाएंगे अनाथों की सेवा करते हुए। आपका और उनका फील्ड सिमिलर हो सकता है, या अगर शुरुआत में नहीं है तो आगे चल के सिमिलर हो जाए अगर, तब समझ लेना आप दोनों का सोल पर्पस एक साथ ही है और यूनिवर्स आप दोनों को तैयार कर रहा है। जैसे कि एक योगा सिखाता है और एक उसी की क्लास में योगा सीखने चला जाए और योगा सीख करके उसी के साथ अपने ट्विन के साथ जुड़ जाए, है ना, सिमिलर फील्ड हुआ। एक डॉक्टर है तो दूसरा भी डॉक्टर वाली पढ़ाई कर रहा है या डॉक्टर से रिलेटेड किसी फील्ड में है वो, तो सिमिलर इंटरेस्ट ऐसे जुड़ जाते हैं। और चौथा साइन है कि जब आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होगी और आप पहले से जैसे कोई सोल पर्पस कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पहले से ही सोल पर्पस अपना कुछ ना कुछ कर रही हैं और उनके डीएम की अवेकनिंग बाद में स्टार्ट हो रही है, लेकिन जैसे ही आप अपने डीएम को बताते हो कि आप ये काम कर रहे हो, ये सोल पर्पस कर रहे हो, तो आपके डीएम आपको रोकते नहीं हैं, आपके सोल पर्पस को समझते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, खुद भी आपका साथ देते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, आपको एडवाइसेस देने लगते हैं, तो समझ लेना कि उनका जब आपके सोल पर्पस में काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है आपको और कोई अपोज नहीं कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में आपका और उनका सोल पर्पस जो आप कर रहे हो, वो दोनों एक साथ मिलके फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। और ये लास्ट सबसे बड़ा साइन तो आपको यूनियन के बाद मिलता है, लास्ट साइन बता रही हूँ। जैसे ही आपका यूनियन होगा या होने वाला है, या फिर आपका मिनी यूनियन हो गया है, या मान लीजिए परमानेंट यूनियन हो गया है, आपको 101% आपके ट्विन फ्लेम का, जैसे जॉब वगैरह वो करते हैं तो जॉब छूट जाएगा, आपके साथ ज़बरदस्ती उनको जोड़ दिया जाएगा, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, वो आप ही के साथ
काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आप ही का सोल पर्पस उनको अट्रैक्ट करेगा, आप ही के साथ कोई सोल पर्पस कोई काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या फिर डेस्टिनी उनको और आपको इस तरीके से एक साथ करेगी कि आप उनके साथ कोई प्रोजेक्ट करने के बारे में सोचेंगे, आप उनको ऑफ़र दे देंगे या आपके ट्विन ही आपको ऑफ़र दे देंगे और आप दोनों साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट सेम कर सकते हो। अब एक बात पर बहुत गौर कीजिएगा, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, जैसे DM DF या DF जब अवेकनिंग होती है तो स्टार्टिंग में ही जब उनको पता चलता है कि हम कोई बड़ा काम करने के लिए बने हैं तो अपने सोल पर्पस के पीछे पड़ जाते हैं, सोल पर्पस ढूंढने लगते हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। भाई स्टार्टिंग में ही आपका सोल पर्पस आपको रिवील नहीं किया जाता है, क्योंकि आपका पहला सोल पर्पस है आपकी खुद की हीलिंग, आपका सोल पर्पस है आपके DM के साथ आपका यूनियन, आपका हारमोनियस यूनियन, आपकी खुद की हीलिंग, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर अवेकनिंग। स्टार्टिंग में आपको पूरा पूरा फोकस इसके ऊपर देना है, ना कि सोल पर्पस ढूंढने के ऊपर। सभी को लगता है कि उनके अंदर इश्यूज कम है, सभी को लगता है कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हील्ड हैं, उनको अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। तो धीरे 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 अपने ऊपर काम करने पर जब यूनिवर्स आपको उस लायक समझते हैं कि अभी आप काम करने के लिए सोल पर्पस के लिए रेडी हो, खुद पे आपने हीलिंग प्रॉपर इनर वर्क कर लिया है और अब आपको सोल पर्पस दिया जा सकता है, तभी यूनिवर्स आपको आपका सोल पर्पस रिवील करते हैं और आपके सोल पर्पस को करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके पहले आपको बहुत सारी रुकावटें महसूस होती हैं, इवन आपको लगता हो कि आपके और आपके DM का सोल पर्पस एक साथ ही है, लेकिन ना आपका सोल पर्पस रिवील होगा, ना आपके DM के साथ आपका सोल पर्पस है कि नहीं है, ये सब आपको रिवील होगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पूरा फोकस अपने हीलिंग में दें। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, अगर आप प्रॉपर हीलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर इनर वर्क कर रहे हैं, आप रेगुलर इनर वर्क कर रहे हैं, आप लापरवाहियां नहीं कर रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद हीलिंग विलिंग स्टार्ट करने के 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर ही आपका सोल पर्पस फिर आपको रिवील कर दिया जाता है कि भाई ये आपका सोल पर्पस है, अब इसके लिए आप तैयारी कर लो और ये आपके DM है और ये भी इसी फील्ड में है, तो आप दोनों एक साथ कुछ कर सकते हो, अगर फ्यूचर ऐसा है तो कुछ रिवील आपको ज़रूर किया जाता है। और दो ट्विन फ्लेम्स का एक दूसरे के साथ सोल पर्पस करना ये थोड़ा रेयर इसलिए है ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का अवेकनिंग एक तो बहुत टाइम बाद होता है, दोनों कपल्स की कहीं और मैरिज हो गई है, एक तो ये सिचुएशन बन जाती है, दूसरा कर्मा बहुत ज़्यादा होता है, तो दोनों को अपने आप को हील करने में और अपने अपने कर्मा क्लियर करने में ही बहुत समय लग जाता है, तो वो सोल पर्पस एक साथ कैसे करेंगे। तो वो ट्विन फ्लेम्स जिनको एक साथ सोल पर्पस करने के लिए बनाया गया होता है, चूज़ किया गया होता है, वो काफ़ी हील्ड होते हैं और उनके लगभग लगभग कार्मिक बैगेजेस ख़त्म हो चुके होते हैं, तभी वो एक साथ अपने पूरे कर्मा हील करने के बाद, सेपरेट जो कर्मा है वो उनके हील हो जाते हैं, उसके बाद ही वो अपना कोई सोल पर्पस एक साथ कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट में ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, जिनकी उनके DM से बात ही नहीं हो रही है, जिनको पता भी नहीं है, वो लोग भी इस वीडियो में बहुत आस लगा के सुन रहे होंगे कि हमारे लिए भी कुछ बताया जाए, कि हमको तो पता ही नहीं, हम तो उससे बात ही नहीं करते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका और मेरा कोई सोल पर्पस फ्यूचर में एक साथ है। तो पहले तो आपको अभी नहीं पता चलेगा, ऑब्वियसली आपका पहला सोल पर्पस आपका यूनियन है, आप पहले अपनी हीलिंग करके यूनियन अचीव करें, अपनी लाइफ के स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बीच की जो प्रॉब्लम है पहले वो सॉल्व कर लें, तभी तो आप दूसरों को कुछ हीलिंग दे पाओगे, बता पाओगे, उसके बाद ही तो गॉड आपका ध्यान किसी और एरिया में खींचेंगे, नहीं तो आपके अपने हीलिंग में डिस्टर्बेंस आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ साइन मैच कराना ही चाहते हो और थोड़ा बहुत भी अपने ट्विन फ्लेम के बारे में जानते हो, तो आप ये 1-2 साइन आपसे मैच ज़रूर होंगे, जैसे कि आपका DM फिर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड नहीं होगा और आपके काम करने से उसे दिक्कत नहीं होगी, यानी लड़कियां काम करें इससे उन्हें दिक्कत नहीं होगी, ओपन माइंडेड होगा, अगर उनको पता होगा कि आप कोई काम करते हो या आप क्या काम करते हो तो आपके काम की रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर आप उनके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो ये भी चेक करा लेना कि उनका और आपका सिमिलर इंटरेस्ट है, सेम जॉब है, सेम एरिया या सेम लाइन, कुछ आप सिमिलैरिटी शेयर कर रहे हो काम या जॉब के सिलसिले में या सोल पर्पस के सिलसिले में, जैसे कि कुछ ट्विन फ्लेम्स किसी सेवा संस्था से जुड़े हो सकते हैं एक साथ, दोनों ही किसी सेवा संस्था से जुड़े हैं, या फिर दोनों ही किसी स्पिरिचुअल संस्था से जुड़े हैं, या दोनों ही एनिमल लवर हैं, या दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं, या दोनों ही सेम फील्ड शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ सिमिलैरिटी चेक कर लेना आप।
और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी तो आप दोनों को सोल पर्पज़ साथ करना भी नहीं है जब तक आपकी हीलिंग नहीं हो जाती, यूनियन नहीं हो जाता। और यूनियन होने के बाद एकदम सीधा सीधा साफ साफ आपको सारे साइन जो मैंने अभी बताए वो सारे रेजोनेट करने लग जाएंगे, अगर आपका और आपके ट्विन फ्लेम का एक साथ सोल पर्पज़ है तो। एकदम क्लियर यूनिवर्स रिवील कर देंगे, और ऐसा भी नहीं कि इसमें से एक दो साइन मैच होंगे, सारे साइन आपको मैच होंगे। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हो। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि मेरे अपकमिंग सिस्टमैटिक इनर वर्क क्लास के बारे में है। इस बार जो सिस्टमैटिक इनर वर्क है उसमें जितनी भी हीलिंग्स है वो आपको रेकी के द्वारा कराया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू हैं, या अभी अभी हाल ही में आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, या आप बहुत ओल्ड हैं, फिर भी अगर डीप नेगेटिव एनर्जी है और अपने आप ही स्टक हैं, रुकावटें हैं, आप हील नहीं कर पा रहे हैं, तो रेकी एनर्जी हीलिंग आप ले सकते हैं। आप सबको पता है रेकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्निक है, जिसमें कि आपके डीप इश्यूज हील होते हैं, आपकी प्राण ऊर्जा, ये सीधा एनर्जी के ऊपर काम करता है। रेकी एनर्जी माँ शक्ति की एक पवित्र ऊर्जा है, जिसके द्वारा आपके बॉडी में स्टक नेगेटिव एनर्जी, आपके कार्मिक नेगेटिव एनर्जी और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई स्टक नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रगल, सिचुएशन, सबको हील करने की ताकत रखता है, क्योंकि ये एनर्जी के ऊपर सीधा काम करता है और नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेकी हीलिंग के चार्जेस वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप पर्सनल इतनी सारी हीलिंग करवाते हैं तो शायद आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इतनी सारी हीलिंग आपको एक साथ ग्रुप हीलिंग में मिल जाएगी। तो इस क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दी गई है। 15 मई से क्लास स्टार्ट हो रहा है, 8 दिन की क्लास होगी, मॉर्निंग 5 AM से क्लास स्टार्ट होगी, जूम रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। और इसमें क्या क्या हीलिंग कराया जाएगा, 7 चक्रा हीलिंग कराया जाएगा, रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक, और इससे रिलेटेड जो भी आपके डीप इश्यूज हैं, आपके चक्रा की क्लिनजिंग बैलेंसिंग कराई जाएगी रेकी के द्वारा। और फिर अदर ट्विन फ्लेम रीयूनियन एंड कार्मिक एनर्जी हीलिंग के लिए कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे पास लाइफ कर्मा हीलिंग, और लव लाइफ में चीटिंग या धोखा होने की वजह से जो आपको ट्रॉमा मिले हैं, या फिर आपका हर चक्र ब्लॉक है, आप ओपन नहीं है यूनियन के लिए, आप यूनियन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं हर चक्र ब्लॉक की वजह से, तो वो हीलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा डीप अटैचमेंट हीलिंग, जिसकी वजह से आप सेल्फ लव नहीं कर पाते, इथरिक बॉडी क्लिनजिंग, पेन बॉडी, ऑरा हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग कराया जाएगा। बहुत सारे लोग अपने इनर चाइल्ड में स्टक है, पता ही नहीं क्या हील होना है, तो जो बचा कुचा है वो सब हील हो जाएगा इससे। और आपके हेल्थ पे भी थोड़ी देर हीलिंग दी जाएगी, अगर कोई बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, दिमाग ठीक नहीं रहता है, हेडेक रहता है, बॉडी पेन रहता है, नींद आती रहती है, और बहुत सारे इल्यूजनरी साइंस उनको मिलते रहते हैं, तो ये सब हील कराया जाएगा हेल्थ में। इन सभी इश्यूज पे रेगुलर 8 दिन तक लगातार आपको हीलिंग भेजी जाएगी, हीलिंग दी जाएगी लाइव जूम पे ऑनलाइन। इसका एनर्जी एक्सचेंज मैं आपको यहाँ रिवील तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरे जो क्लासेस होते हैं उसका जो एनर्जी एक्सचेंज होता है 2000 के अंदर ही होता है, तो ये भी 2000 के अंदर ही है, और जिस हिसाब से आपको इतनी सारी हीलिंग दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग अफोर्डेबल ही है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, सामने व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, प्लीज़ कॉल ना करें, मैसेज करके ही कोई इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, और क्लास में अपनी सीट बुक करने के लिए भी इसी नंबर पे मैसेज करें। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।